बताएं जिस प्रकार से 5 वर्ष से माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार राज्य की जनता के लिए चौमुखी विकास के कार्य कर रही है, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अनेक कैंप हर वर्ष लगाते हैं, लोगों को बहुत फायदा मिलता है। इस वर्ष एक अनूठा कार्यक्रम, जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलना है और ऐतिहासिक घोषणा इस बजट के अंदर, और उन बजट को धरातल पे कैसे लाना है, कैसे आम जनता को फायदा मिले घर घर तक, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है आम जनता के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति, महिला के प्रति, युवाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, उस सोच को कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाकर उनका लाभ उन व्यक्तियों को पहुंचाएं, ऐसा हमारा ये महंगाई से राहत कैंप। महंगाई से राहत, पहली बार आपने सुना होगा महंगाई से राहत, क्योंकि 1150 1150 1150 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। जो लोग अच्छे दिनों की बात किया करते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किस कदर महंगाई बढ़ गई है, किस कदर आम जनता दुखी है, तो वो 1150 का सिलेंडर 500 रुपए के अंदर पेंशन बढ़ा दी गई है, 25 लाख रुपए का एक बीमा कर दिया गया है कि चिरंजीवी योजना के तहत की इलाज के लिए कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बहुत से ऐसे इश्यू हैं जो जनता के लिए हम लोग लेके आए हैं इस महंगाई से राहत कैंप के अंदर, आम जनता को फायदा मिले उसके लिए हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ता सब लोग एक एक व्यक्ति के घर पे जाके परिवार वालों को बताएंगे, जागरूक करेंगे इन योजनाओं के बारे में, और जितना उनको लाभ दिया जा सकता है उनको लाभ देने का प्रयास करेंगे। राजेश्वरी जी ने पूर्व सरपंच विधायकों के लिए सम्मान का प्रारंभ किया है, ये नवाचार करते रहते हैं प्रधान जी। प्रधान जी का शुरू से ये राय है कि ये नवाचार में विश्वास करते हैं, और जब जब भी ये इस समय, इस ऋतु के समय तो एक पेड़ लगाने का बड़ा अभियान चलता है हर वर्ष, जो पूरा राजस्थान उसको मानता है, और हम लोग सारे लोग मिलकर, सारे साथी मिलकर इस अभियान में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग साथ खड़े रहते हैं। इसलिए नवाचारों में विश्वास करने वाला मेरा युवा साथी है, और मैं जहां तक समझता हूं कि लोगों में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, लोग मिलते रहने चाहिए आपस में, सम्मान के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी के अंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए इन नवाचारों से जब लोगों को सम्मान मिलेगा, लोग मिलेंगे, तो निश्चित रूप से सब अच्छा रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई सबकी? मेरे हिसाब से अभी मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन सरकार अपने स्तर के ऊपर प्रयास कर रही थी, मैं जानते रहूँ निश्चित रूप से सकारात्मक की वार्ता रही होगी। नवलगढ़ कप को लेकर युवाओं में कैसा उत्साह है? देखो, नवलगढ़ का कप ऐतिहासिक रूप से होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे बाबा राम साहब पीर की धरा पर, और ऐतिहासिक ही एंट्री हो रही है टीमों की। अभी तो दिक्कत ये हो रही है कि बाहर जो नवलगढ़ के अलावा जो तहसीलें हैं, जिले हैं, वो सारे युवा मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमें भी खेलने का अवसर मिलना चाहिए नवलगढ़ के अंदर। नवलगढ़ कप में हमेशा हम लोग खेलते हैं, तो आज हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि किस तरह वो नवलगढ़ में खेलना चाहते हैं, तो उनका भी मान रहना चाहिए, तो उनको भी यहाँ कैसे खिलाए वो भी आज हम लोग शाम तक बैठ कर तय करेंगे, और जल्दी इसकी भी खुशखबरी सभी लोगों को दी जाएगी। के लिए तो झुंझुनू का प्रधान जी करवा दे, नवलगढ़ का बेटा ही खेले था ज्यादा ठीक रहे। दूसरी मारी एक अपील और है कि जो भी खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करे अभी के लिए, अब IPL यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय का आपका 2-3 बार पहले अच्छा आयोजन यह है, तो सर लोगों की अपील है कि भाई मान लोगों के लिए प्लेटफॉर्म, प्रभावी प्लेटफॉर्म आप आगे तक ले जाओगे। मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म जो नवलगढ़ कप में खेलता है नहीं खेलता, अगर लड़का टैलेंटेड है तो उसके लिए हमने हर वक्त 24 घंटे उनके लिए बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए हैं, और सब लोग जो लाभार्थी हैं सब लोग जानते भी हैं। आगे भी आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा आप लोगों को लगता हो कि वास्तव में टैलेंटेड है, उसको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, उसको प्लेटफॉर्म 100% हम उपलब्ध कराएंगे, वादा करेंगे। चोटिया जी की टीम अलग रही थी, प्रधान जी की अलग रही थी, दिनेश हुड्डा जी की और सुरेश जी की अलग अलग टीम रही थी, भी टीम अलग रही थी, ये सारे अलग सब हमारे पत्रकार साथियों की भी टीम उतरेगी, टीम भी उतरेगी, डॉक्टर्स की उतरेगी, सब लोगों की उतरेगी, फ्रेंडली मैच में खूब चलेंगे। थैंक यू।